नमस्कार दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवकों के लिए और जो जितने भी पोस्टमैन हैं जो डिलीवरी वर्क करते हैं उन सबके लिए डाक विभाग द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है। उस स्कीम का नाम है BYOD, मतलब ब्रिंग योर ओन डिवाइस स्कीम। अब ये कैसी स्कीम है, क्या है, इसके बारे में फुल डिटेल हम जानेंगे और इसमें बहुत से GDS का फ़ायदा भी जुड़ा है और उनको इसके बारे में जानना ज़रूरी भी है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, सब देखेंगे कि पेमेंट में कितनी बढ़ोतरी होगी, कितना इंसेंटिव बनेगा इस स्कीम के तहत काम स्टार्ट होने के बाद। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये पोस्टल डिपार्टमेंट का सर्कुलर है, 7 सितंबर 2022 को ये इशू हुआ है और ये सभी सर्किल्स में सेंड किया जा चुका है, सारे CBMG को भेज दिया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। और सब्जेक्ट देखिए, इसमें लिखा है रोल आउट ऑफ ब्रिंग योर ओन डिवाइस और ब्रैकेट में लिखा है BYOD, मतलब वही हुआ ब्रिंग योर ओन डिवाइस स्कीम। तो ये एक BYOD स्कीम है। रोल आउट का क्या मतलब होता है? रोल आउट मतलब किसी भी चीज़ को पब्लिकली इंट्रोड्यूस करना। तो यहाँ BYOD स्कीम को रोल आउट करने की बात हो रही है। अब ये स्कीम किन के लिए है तो यहाँ देखें आप, इन दिस स्कीम द डिलीवरी स्टाफ, पोस्टमैन, GDS और आउटसोर्स्ड विल ब्रिंग देयर ओन डिवाइस फॉर रनिंग एप्स ऑफ डिपार्टमेंट एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एंड शैल बी गिवन अ रिम्यूनरेशन फॉर स्मार्टफोन एंड डेटा चार्जेस। मतलब इस स्कीम के तहत जितने भी डिलीवरी स्टाफ हैं, डिलीवरी स्टाफ मतलब जो भी लेटर वगैरह या फिर पार्सल डिलीवर करने का काम करते हैं, जैसे पोस्टमैन और GDS ऑफिशियल्स, ABPM स्पेशली जो काम करते हैं डिलीवरी का, तो इन ऑफिशियल्स को अपना अपना मोबाइल यूज़ में लाना होगा। किस लिए यूज़ करना है? तो जो भी ऐप है डिपार्टमेंट का और IPPB का, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, इसका काम खुद के मोबाइल से करना होगा। और मोबाइल एक एंड्रॉयड फ़ोन या फिर स्मार्टफोन होना चाहिए और इसके लिए ऐसे ऑफिशियल्स को स्मार्टफोन के लिए पैसे दिए जाएंगे और साथ में इंटरनेट पैक के लिए जो भी अमाउंट है वो दिया जाएगा। अब सवाल है कि कितना अमाउंट दिया जाएगा, तो यहाँ लिखा है, देखिए सेकेंड पॉइंट में देखिए, मात्र ₹200 पर स्मार्टफोन दिए जाएंगे और इसके अलावा ₹150 हर महीने इंटरनेट पैक के दिए जाएंगे। हालांकि ये जो इंटरनेट पैक है ये खुद से ऑफिशियल्स को रिचार्ज करवाना होगा और हर महीने ₹150 डिपार्टमेंट की तरफ से रिफंड कर दिया जाएगा। और ये ऑफिशियल्स को देखना होगा कि उनके डिलीवरी एरिया में या फिर आप कह सकते हैं उनके बीट में कौन सी कंपनी का नेटवर्क स्मूथली वर्क करता है, उसी कंपनी का रिचार्ज उन्हें करवाना होगा। और 90% जो डिलीवरी होगा वो PMA ऐप के थ्रू ही होगा। PMA का मतलब होता है पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन। जो भी पोस्टमैन है वो इसी ऐप से आर्टिकल डिलीवर या रिटर्न करते हैं। तो ये था सेकंड पॉइंट। अब तीसरे में दिया है, हर 15 दिन पर सर्किल द्वारा एक रिपोर्ट तैयार करके भेजना है। कहाँ भेजना है? तो पोस्टल डायरेक्टेड मेल ऑपरेशन में ये भेजना है कि कितने मोबाइल फ़ोन्स को BYOD में इंक्लूड किया गया है। ये हर 15 दिन में सर्किल को भेजना है डायरेक्टेड में। और जो भी मोबाइल स्मार्टफोन का मॉडल होगा वो यहाँ पर प्रिस्क्राइब किया गया है, वही मॉडल ऑफिशियल्स को लेना है। सब देखेंगे कि क्या क्या कंडीशंस है, मोबाइल कैसा होना चाहिए, उसमें क्या फंक्शंस होने चाहिए, कैसे काम करेगा। GDS ऑफिशियल्स और पोस्टमैन के लिए ये बहुत काम का वीडियो होने वाला है। और फोर्थ पॉइंट अगर आप देखोगे तो इसमें लिखा है कि ये BYOD स्कीम के तहत सारे डिलीवरी स्टाफ को 31 अक्टूबर 2022 तक जोड़ देना है। तो ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हम थोड़ा BYOD स्कीम के कुछ गाइडलाइंस हैं उनको देख लेते हैं ताकि इससे रिलेटेड जो भी मन में डाउट होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं सब। अगर आप एक बार इसको देख लेंगे तो बार बार आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको सर्कुलर भी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए फर्स्ट पॉइंट, तो ये स्कीम किन पर लागू होगी? तो हमने देखा था कि ये जितने भी डिलीवरी स्टाफ हैं उनके लिए है, जैसे पोस्टमैन और GDS, और जिन ऑफिशियल्स को IPPB या फिर डिपार्टमेंट द्वारा कोई हैंडसेट प्रोवाइड नहीं किया गया है ये स्कीम उनके लिए है। जिनके पास ऑलरेडी हैंडसेट है, जो IPPB से वर्क करते हैं और PMA ऐप से भी आर्टिकल डिलीवर करते हैं उनके लिए नहीं है। जिनके पास हैंडसेट नहीं है ये उनके लिए है। और उसके बाद है कि जो PMA ऐप है, मतलब जो पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन है, वो सिर्फ एंड्रॉयड हैंडसेट में काम करता है, तो मोबाइल जो होगा वो एंड्रॉयड ही होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट में है कि स्मार्टफोन अच्छे कंडीशन में होना चाहिए और वो 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट में क्या है, तो अगर ऑफिशियल्स के पास मोबाइल परचेस का रिसिप्ट है, उस रिसिप्ट पे IMEI नंबर, मेक, मॉडल ये सब लिखा हो, तो उसको डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में रखा जाएगा। और दोस्तों जो फिफ्थ पॉइंट है, इसमें इंसेंटिव की बात बोली गई है। हमने ऊपर भी देखा था कि ₹200 पर स्मार्टफोन दिए जाएंगे, बट इसमें भी एक कंडीशन है और वो कंडीशन ये है कि मिनिमम 90% काम ऑफिशियल्स को अपने PMA ऐप से, मतलब मोबाइल से ही करना होगा। इसमें ये एक कंडीशन रखी गई है, अगर 90% काम नहीं होता है तो ₹200 भी आपको नहीं दिए जाएंगे। और जो सिक्स्थ पॉइंट है उसमें यही है कि ₹150 पर मंथ इंटरनेट पैक के दिए जाएंगे, ये तो हमने पहले ही देखा था ऊपर। अब देखते हैं पॉइंट सेवन में है कि अगर मोबाइल गुम हो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है या फिर उसमें किसी प्रकार का कोई डाटा लॉस्ट हो जाता है, तो उसकी जवाबदेही डिपार्टमेंट की नहीं होगी, इसकी पूरी जवाबदेही, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन ऑफिशियल्स की होगी जो भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं।
एच पॉइंट में लिखा है कि ऑफिशियल्स को मोबाइल खरीदने के लिए कोई भी एडवांस पेमेंट नहीं दिया जाएगा। फिर आई नंबर में है कि जो BYOD अलाउंस मिलेगा ये मंथली बेसिस पे मिलेगा और ऑफिशियल्स के सैलरी अकाउंट में इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब देखिए सबसे मेन पॉइंट है नंबर जे, इसमें देखिए इस स्कीम के तहत जो भी इंसेंटिव ऑफिशियल्स को दिए जाएंगे उसका कैलकुलेशन दिया गया है कि कितना टोटल अमाउंट दिया जाएगा। देखिए जे का फर्स्ट पॉइंट, देखिए अगर कोई ऑफिशियल है जिसका मोबाइल रिपेयर में दिया गया है या फिर ख़राब है या फिर स्टाफ ही छुट्टी पर है, तबीयत ख़राब है, तो उसको एक महीने में कितना इंसेंटिव मिलेगा। यहाँ देखिए फॉर्मूला 200 इंटू नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज फॉर मोबाइल फ़ोन वॉज यूज्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज इन अ मंथ। सपोज़ कीजिए किसी ऑफिशियल ने 30 दिन के महीने में 20 दिन ही काम किया तो फॉर्मूला बनेगा 200 × 20 डिवाइडेड बाय 30, कितना हो जाएगा आप कैलकुलेट करके देख लेना, फॉर्मूला मैंने बता दिया है। हालांकि मेरे हिसाब से ये बहुत कम इंसेंटिव दिया जा रहा है। अब आगे देखते हैं इंटरनेट पैक का कैसा कैलकुलेशन है, तो ये भी सेम है, जितने दिन आप मोबाइल से काम करेंगे उतने दिन को 150 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको 30 से डिवाइड कर देना है, 150 से गुणा करना है जितने दिन आप काम करेंगे और जो भी आएगा उसको 30 से डिवाइड कर देना है, तो आपका जो भी इंसेंटिव होगा वो निकल कर आ जाएगा। और अगर कोई आउटसोर्स स्टाफ है, मतलब अगर कोई प्राइवेट से डिलीवरी वर्क कर रहा है, उसके लिए भी यही सेम फार्मूला अप्लाई होगा। और ये जो इंसेंटिव है तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके सैलरी के साथ इंक्लूड नहीं होगा, ये अलग से दिया जाएगा। देखिए यहाँ एन पॉइंट में दिया भी है, जो SO या BO के इंचार्ज होंगे वो नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख तक अपने डिवीज़न में डिटेल भेजेंगे कि कितने दिन स्मार्टफोन से काम किया गया और उसी के हिसाब से 15 तारीख तक इंसेंटिव को सैलरी अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और एक फॉर्म भरवाया जाएगा जो भी इस स्कीम के तहत आएंगे उनसे, जो भी ऑफिशियल्स अपना मोबाइल यूज़ करेंगे उन्हें यह फॉर्म फिलअप करना होगा और इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्म आपको डिपार्टमेंट द्वारा अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं, मेरे हिसाब से तो स्कीम ठीक है लेकिन जो इंसेंटिव है वो बहुत ही कम दिया जा रहा है और जहाँ तक मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत सारे स्टाफ्स तो मना कर देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहें।